हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम में किस तरह से एंट्रीज को डिलीट करते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है, आइए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए अविनाश किराना स्टोर, ये कंपनी है। तो अब इस कंपनी में हुई एंट्रीज को आप डिलीट करना चाहते हैं, डेट याद होना चाहिए। अगर डेट नहीं भी याद है तो भी आप डिलीट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे डिलीट करना है। तो आपको केवल और केवल ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है एंट्रीज को डिलीट करने के लिए। ये बात मैंने पहले भी बताई है, और एंटर प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया, फिर यहां पर आएंगे, ऑल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए, एंट्री डिलीट, ठीक है। इसी तरह से आपने लेजर्स वगैरह बनाए हैं तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर उसको आपने कई जगह यूज नहीं किया है तो वो भी डिलीट हो जाते हैं, लेकिन अगर यूज किए होंगे तो कुछ ऐसे लेजर्स हैं जो डिलीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे लाइक अब यहां पर आता हूं, ये देखिए ये डेट ऑफ पार्टी का एक लेजर है, अगर मैं ऑल्ट के साथ डी प्रेस करता हूं तो ये डिलीट नहीं होता है, क्योंकि इसे हमने कहीं यूज कर लिया है, ठीक है। अब किसी एंट्री में ये यूज हो गया है जिसके चलते ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अदर लेजर देखते हैं, ये परचेज अकाउंट, तो भाई परचेज अकाउंट भी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, इसके वजह से डिलीट नहीं होगा। अगर मैं कोई और लेजर बनाता हूँ, लाइक यहाँ पे देखिए एक लेजर मैं बना लेता हूँ डेटर पार्टी के नाम से, यहाँ लिख लिया मोहन, ठीक है, क्रेडिटर पार्टी कर लेते हैं, और यहाँ देखिए इसको डाल देंगे सन्डे क्रेडिटर के ग्रुप में, एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे सन्डे क्रेडिटर हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हमें डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे, यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर जो हमने बनाया मोहन सी, ये ही है, इसको हमने अभी कहीं यूज नहीं किया, अभी तो बनाया है हमने, तो अब ये आसानी के साथ डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए, ये सीधे तरीके से डिलीट हो जाएगा। जब आप यूज नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, आप यूज कर लेंगे तो डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है।